आप इस वाले वीडियो को स्किप करके देख के इतना दूर आए हो कि क्या है मुझे नहीं पता है, पर यार मुझे इस वाले वीडियो को बनाने में पूरा एक दिन लग गया है। तो गाइस बहुत दिनों के बाद आज मैं यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ब्लॉग शूट करने का रीज़न यही है कि जैसा कि आप सभी को पता ही है और आप सभी ने पूजा किया होगा, 16 फरवरी को दोस्तों आपका बसंत पंचमी था, ठीक है। तो आज दोस्तों जब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, आज है दोस्तों 19 फरवरी, ठीक है। तो आज दोस्तों हमारे यहाँ पे महाप्रसाद का आयोजन किया गया, यानी खिचड़ी बनाया जा रहा है। तो गाइस आज मैं दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ पे किस तरह से खिचड़ी बनाया जा रहा है और किस तरह से दोस्तों महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। तो गाइस ब्लॉग पे बने रहिए और चैनल पे अगर आप नए हो तो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिख रहा होगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो का लाइक भी आप कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग को अभी आप इन्जॉय कीजिए, ठीक है। बगल में आपको मुर्गा का साउंड सुनाई दिया, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों का जो पंडाल है कुछ इस प्रकार से बनाया गया था, ठीक है। तो चलिए तब पहले अभी पंडाल के अंदर आपको लेके चलते हैं और आपको अंदर का जो मूर्ति है उनको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो पंडाल का अंदर का नज़ारा है हम लोगों ने किस इस प्रकार से सजाया था, मतलब चारों तरफ यहाँ पर देख सकते हैं बैलून हमने लगा दिए थे और ये जो पंडाल का आप देख सकते हैं कपड़ा सब जो होता है उसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से साइड से लगा दिया था, ठीक है। तो आइए दोस्तों फाइनली अभी आपको हम लोग अपना मूर्ति जो है उसको दिखाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे खिचड़ी में जितने सारे सब्जी वहाँ पर डाला जाएगा उन सारे सब्जी को दोस्तों पहले यहाँ पे काटा जा रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ पर इसके बाद पहले सब्जी बनाया जाएगा, उसके बाद ही खिचड़ी बनाया जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह से सब्जी को काट रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे भाई लोग अभी चावल आदाय करके ले आए हैं, देख सकते हैं बैग के अंदर आपको यहाँ पर चावल आपको देखने को मिलेगा, घर का चावल है, ठीक है, अपने घर का खेती का। तो गाइस चलिए अभी इसको साइड में रखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। पर आप देख सकते हो हम लोगों का जो देसी चूल्हा है वहाँ पर जल चुका है, ठीक है। और उसके बगल में आप देख सकते हो यहाँ पर जितने सारे मसाले तेल सब्जी जितने सारे लगेंगे सब्जी बनाने के लिए वो सब वहाँ पर रखा हुआ है। और नेक्स्ट दोस्तों आपको मैं एक नया चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। जितने सारे दोस्तों सब्जी हम लोग वहाँ पर काट रहे थे देखे वो सब्जी दोस्तों सबको दोस्तों मेरे यहाँ पर काटना हम लोग का कम्प्लीट हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो सब्जी सब आ चुका है और इस वाले कढ़ाई में दोस्तों अभी बनाया जाएगा सबसे पहले सब्जी तो, ठीक है। उसके बाद चावल और आलू को एक साथ अलग करके मतलब फ्राई करके सॉरी उबाल के दोस्तों बनाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग को अभी आप आगे इन्जॉय कीजिए। तो साथियों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों का जो सब्जी है यहाँ पर पहले रेडी हो रहा है, इसके बाद जो चावल है और आलू और दाल को एक साथ डाल के उबाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद मतलब ये सब्जी जो बनेगा उसके बाद उसमें डाला जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पर डेग कर गया है, ठीक है। चावल इसके ऊपर अभी पानी गर्म होगा, उसके बाद चावल डाला जाएगा, ठीक है। और सब्जी देख सकते हैं हम लोग का जो सब्जी है यहाँ पर रेडी हो चुका है पूरी तरह से,
देख सकते हैं सब्जी कितना बढ़िया कलर दिख रहा है सब्जी का, देखने से तो पूरा खाने का ही मन कर रहा है। देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर दिख रहा है सब्जी का। ठीक है तो गाइस चलिए अभी अभी इसमें जो डेग है इस डेग में बनेगा अभी चावल वावल डाल के उसके बाद बोला सब्जी जो है डाला जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों हम लोग का जो सब्जी यहाँ पे रेडी हो चुका है। ठीक है और बहुत ही टेस्टफुल वाला सब्जी बना है, आप अगर सामने आते तो आपको जरूर खिलाते वाला सब्जी बहुत मस्त लग रहा है। देख सकते हो आप, देख सकते हो हम लोग का जो पानी है यहाँ पर गर्म हो चुका है। ठीक है अभी इसके ऊपर अभी चावल छोड़ा जाएगा। तो साथियों जैसा कि देख सकते हैं हमारा जो खिचड़ी है यहाँ पर आधा अधूरा हो चुका है। ठीक है अब इसके ऊपर ये जो सब्जी बना है उसको डाला जाएगा। देख सकते हैं अभी डालने के लिए रेडी है सब्जी, तो देख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों उस डेग से जो आधा सब्जी था उसमें इसमें डाल दिया गया है। ठीक है क्योंकि हम लोग यहाँ पे दो डग खिचड़ी बनेगा इसलिए दोस्तों आधा सब्जी वहाँ से निकाल के इस वाले में डाल दिया गया है। अभी फिर से इसको मतलब ढक दिया जाएगा और उसके बाद कुछ टाइम के लिए उसको फिर सीझने के लिए छोड़ दिया जाएगा, मतलब उबलने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग का जो खिचड़ी यहाँ पर रेडी हो चुका है। ठीक है अभी बस इसको वितरण करने की देरी है। ऊपर में देख सकते हैं आप नारियल और धनिया पत्ता ऊपर में दिया गया है इसलिए ऐसा दिख रहा है। ठीक है तो अभी चलिए इसको पहले वितरण करते हैं। तो गाइस आखिरकार वो समय आ गया है जब दोस्तों मैं अभी खिचड़ी खाने वाला हूँ। ठीक है तो आप इस वाले वीडियो को स्किप करके देख के इतना दूर आए हो कि क्या आए हो मुझे नहीं पता है, पर यार मुझे इस वाले वीडियो को बनाने में पूरा एक दिन लग गया है। अगर दोस्तों वीडियो को इतना दूर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और बाकी अगर आपको इसी तरह के मेरे इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय टाटा नमस्कार लीजिए आपके लिए बाय बाय।